हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोमल्स कॉर्नर। मेरा नाम है कोमल। जो आज की वीडियो है दैट इज फॉर नो मेकअप मेकअप लुक। जो मैंने ये लुक क्रिएट किया है, आई डिड नॉट यूज एनी डैम फाउंडेशन फॉर दिस मेकअप लुक, क्योंकि हम लोग अगर रेगुलर वेयर में लाइक ऑफिस में, कॉलेजेस में या कहीं भी बाहर जा रहे हैं तो हम रेगुलर बेसिस पे फाउंडेशन नहीं लगा सकते हैं, बिकॉज हैवी मेकअप हार्म्स आवर स्किन। तो इसीलिए जो आज का मेकअप किया है मैंने, वो विदाउट फाउंडेशन किया है और बहुत ही लाइट और सिंपल मेकअप है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है। अगर आप इसे दो चार बार प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली यू कैन अचीव द सेम लुक। और क्योंकि ये बहुत इजी है तो आप कॉलेज ऑफिस में या कहीं भी ऐसे बाहर जा रहे हैं, डिनर डेट के लिए जा रहे हैं जी, या फिर जिन लड़कियों को मेकअप नहीं आता है वो भी मेकअप बहुत इजीली कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, और वीडियो को एंड तक देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो गिव अ थम्स अप ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैंने अपने फेस को कर लिया है वॉश और अपने फेस को किया है मॉइस्चराइज, साथ साथ किया है लिप्स को भी मॉइस्चराइज। और उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे एम्बे एटीट्यूड का सनस्क्रीन क्रीम। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो सनस्क्रीन ले सकते हो। और सनस्क्रीन को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अपनी बैक ऑफ हैंड पे लिया है, और उसके बाद इसको अपने फेस पर अच्छे से लगा लेंगे और एक स्पॉन्ज की हेल्प से मैं इसको पूरे में स्प्रेड कर लूँगी ताकि ये ब्लेंड हो जाए। मुझे यहाँ पे कवरेज नहीं चाहिए था, मुझे सिर्फ अपनी स्किन को एक प्रोटेक्शन ही चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे कोई फाउंडेशन यूज़ नहीं किया है। रेगुलरली फाउंडेशन यूज़ करने से हमारी स्किन जो है वो ख़राब हो जाती है, सो इट्स बेटर टू स्किप। अगर आपको थोड़ा कवरेज चाहिए तो आप इसी के अंदर एक या दो ड्रॉप फाउंडेशन की या बीबी या सीसी क्रीम की मिला सकते हो। इसको करने के बाद यू कैन सी इट इज़ गिविंग यू अ परफेक्ट लुक। अब उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे फिट मी का लूज पाउडर। ये मुझे क्या बहुत लाइट कवरेज दे देगा, तो मुझे इसीलिए फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि मैं यहाँ पे लूज पाउडर यूज़ करने वाली थी। तो ये क्या है, एक तो मेरी ऑयली स्किन है तो उसको एक मैट फिनिश देगा और साथ में हमें एक लाइट कवरेज भी देगा। बट आपको ज़रूरी नहीं है कि फिट मी ही यूज़ करना है, आपके पास जो भी लूज पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर है आप उसी से ये वाला स्टेप कर सकते हो। यू डोंट नीड टू बाय एनी सच प्रोडक्ट। और अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट चाहिए होगा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबके लिंक्स दे दूंगी, सो यू कैन ईजिली बाय देम। उसके बाद मैंने लिया है ये ब्रश और उसके बाद जो भी एक्सेस प्रोडक्ट है उसको डस्ट ऑफ कर देंगे ताकि एक इवन टोन लुक मिले। फिर यहाँ पे मैं ब्रो पाउडर ले रही हूँ और एक ही ले रही हूँ एंगुलर ब्रश, उसकी हेल्प से मैं अपनी आईब्रोज को फिल करूँगी और शेप दूँगी। आपके पास जो भी आईब्रो पेंसिल है या आईब्रोज का जो पाउडर है, जो भी है, आप उसके उसी से ही अपने आईब्रोज बना सकते हो। और आईब्रोज के लिए मैंने यहाँ पे डार्क ब्राउन शेड चूज़ किया है, मैंने जेड ब्लैक कलर नहीं लिया है क्योंकि हमें जो आईब्रोज़ के लिए कलर चाहे वो पेंसिल हो या पाउडर, जो कलर चूज़ करना होता है वो हमारे नेचुरल हेयर से मैच करता हुआ चूज़ करना होता है। अगर मैं यहाँ पे जेड ब्लैक यूज़ करूँगी तो वो अलग से विजिबल होगा कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट यूज़ किया है। तो हमें बहुत ही नेचुरल लुक क्रिएट करनी है तो हमें बहुत ही सटल कलर लेना है जो कि हमें विजिबल ना हो कि हमने कुछ अलग से मेकअप किया है। एंड माई आईब्रोज आर डन। उसके बाद मैंने लिया ये ब्रश, इससे क्या है हमारे जो हेयर है वो एग्जैक्टली उसी शेप में सेट हो जाएंगे, और अगर कोई बीच में फिल जगह दिखती है खाली तो हम उसको फिल कर सकते हैं। यू कैन सी द डिफरेंस। नाउ आई एम यूजिंग दिस एल ए कलर आई शेडो पैलेट, और इसमें जो भी सबसे लाइटेस्ट कलर है वो मैं यूज़ करने वाली हूँ एज अ ट्रांजिशन कलर। एक्सेस प्रोडक्ट को हम डस्ट ऑफ करके फिर हमारे ट्रांजिशन पर यूज़ करेंगे और सर्कुलर मोशन में बहुत हल्के हैंड से उसको ब्लेंड करेंगे, क्योंकि हमें बहुत ही नेचुरल लुक क्रिएट करना है तो इसीलिए हम कोई भी डार्क शेड यूज़ नहीं कर रहे हैं। जो मेरी स्किन से मैचिंग जो लाइटेस्ट कलर है वो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है एज अ ट्रांजिशन कलर।
सेकंड मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, उससे थोड़ा सा डार्क कलर टू ऑन माय आईलिड्स, उसको मैं पूरे आईलिड्स पे स्प्रेड कर दूंगी और उसको अच्छे से ब्लेंड करना है। रिमेम्बर कि आप कुछ भी प्रोडक्ट जो भी आप अप्लाई कर रहे हो उसको अच्छे से ब्लेंड ज़रूर करना है, अदरवाइज़ आपको वो फिनिश नहीं मिलेगी। एंड माई आईज़ आर डन, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है। फिर उसके बाद मैंने काजल पेंसिल को ही लाइनर की तरह यूज़ किया है। हम एक पतली सी लाइन बना लेंगे अपनी आईलिड पर और एक ब्रश लेकर उसको स्मच कर देंगे। जिन लोगों को लाइनर लगाना नहीं आता है, ये ट्रिक उन लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल है। यू जस्ट ट्राई वंस। और उसके बाद मैं इसी ब्रश से अपनी आईलिड की नीचे भी थोड़ा सा उसको लाइनर को लगा लूँगी, काजल को। सिमिलरली दूसरी आई पे भी हम यही स्टेप रिपीट करेंगे। और उसके बाद मैं लूँगी एक ब्लैक आई शेडो और जो काजल मैंने लगाया है उसके ऊपर ही मैं इस ब्लैक आई शेडो की एक लेयर लगा लूँगी ताकि वो स्मज ना हो, क्योंकि वो काजल पेंसिल है तो वो क्या हमें याद नहीं रहता है, तो हम कई बार आईज़ को रब कर लेते हैं और स्मज हो जाते हैं। ये वाली ट्रिक मैंने अपनी एक वीडियो में भी बताई थी स्मज प्रूफ काजल की, तो यू कैन चेक दैट आउट। आईज़ करने के बाद मैं यहाँ पे एक लिपस्टिक ही यूज़ कर रही हूँ फॉर द ब्लश, मैंने अलग से ब्लश यूज़ नहीं किया है। आप देख सकते हो ये बहुत ही सिंपल लुक है और बहुत ही कम प्रोडक्ट से आप ये क्रिएट कर सकते हो, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप रोज़ रोज़ मेकअप के लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकते हो और उसकी ज़रूरत भी नहीं है। ये हो गया हमारा ब्लश और वही लिपस्टिक मैं यूज़ कर रही हूँ एज अ लिपस्टिक भी, कोई अलग कलर नहीं यूज़ कर रही हूँ, बट अगर आप चाहो तो अलग कलर भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ही नेचुरल लुक देनी थी, तो वही पिंक लिक्विड लिपस्टिक को मैं थोड़ा सा हल्का डॉटेड डॉटेड लगाऊंगी पहले ब्रश से और फिंगर की हेल्प से उसको स्प्रेड कर दूंगी ताकि जो एक्सेस प्रोडक्ट कहीं पे लगा हो वो ना रहे और इवनली वो स्प्रेड हो जाए और बहुत ही नेचुरल पिंक लिप्स मुझे मिल जाए। दैट्स इट, ये हो गई है हमारी लुक तैयार और बहुत ज़्यादा हमने कुछ किया नहीं है। सो गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप और शेयर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स के साथ जिन्हें मेकअप करना नहीं आता है, जो बिगनर हैं या जिन्हें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है मेकअप करने के लिए, क्विक एंड फास्ट मेकअप करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।